माशाल्लाह सुभानअल्लाह। लो जी हमारा चिकन तैयार हो गया बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील रहमान, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मंडार नंबर 1। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पका के दिखाने जा रहे हैं कि चिकन कैसे बनाया जाता है उबले हुए टमाटर और प्याज़ों के साथ। हमारी वीडियो आखिर तक देखना, अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर लाजमी करना। ओके तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि चिकन उबले हुए टमाटर और प्याज से कैसे बनाया जाता है। और आधा किलो ही चिकन लोगे आप तो इंशाल्लाह वो आपका 2 किलो बन जाएगा, उसकी ग्रेवी ज़्यादा बन जाएगी, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये महंगाई का तोड़ है, तोड़ जैसे हम आपको बता रहे हैं। चिकन का मसाला बन रहा है जी, आधा किलो प्याज था, टमाटर था, हमने इसको ये प्याज और टमाटर हम पेस्ट बना हुआ था प्याज टमाटर का, वो हमने डाल दिया। ये अब हमारा चिकन तैयार हो रहा है और वो भी ग्रेवी वाला, ग्रेवी वाला चिकन इस तरह तैयार किया जाता है। ये सूखा धनिया भी हमने डाल दिया। ये धना मिर्च, दाने वाली मिर्च, रेड मिर्च, कुटा हुआ मसाला जिसे कहते हैं हम, एक तो पिसा हुआ होता है एक कुटा हुआ होता है। ये अब हम थोड़ा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। क्या चीज़ है? दालचीनी। दालचीनी। हेलो। ये लौंग 5 अदद, 5 टुकड़ा। ये छोटी इलायची 2 अदद। अच्छी तरह से इसका मसाला बनाना है। ये घी बिल्कुल सारा ऊपर निकल आए तो समझो आपका मसाला तैयार है, चिकन वाला मसाला। उबले हुए प्याज और टमाटर से ये सालन ब्लैक कलर का नहीं होता, फुल रेड का नहीं होता और प्यारा कलर रहता है इसका। ये क्या चीज़ है? जो है। सबका
हल्दी नहीं ना, मुझे हल्दी की जगह डाल दो। ओके, जीरा पाउडर। ओके, हमारा चिकन तैयार हो गया बेहतरीन।